हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर जो बच्चे ट्वेल्थ पास करके अभी महाविद्यालय में आपने अपना प्रवेश लिया है, इस समय आप देख रहे हो पूरे विश्व के अंदर महामारी चल रही है और उसको देखते हुए हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लेके आया है। आप लोगों का पूरा महाविद्यालय परिवार स्वागत करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताएंगे। देखिए, भूगोल विषय यानी ज्योग्राफी, इसमें बीए फर्स्ट ईयर में दो पेपर होते हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा पर्यावरण भूगोल। भौतिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल यानी पहला फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा एनवायरमेंट ज्योग्राफी। दोनों ही पेपर जो है वो 75-75 नंबर के होते हैं, यानी 150 नंबर के दो पेपर। 75 का फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल, 75 का सेकंड पेपर पर्यावरण भूगोल और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 50 तो इस तरीके से 75+75+50=200 नंबर का आपका ज्योग्राफी का टोटल वर्क है, इसमें दो पेपर है और प्रैक्टिकल है। आज हम फर्स्ट पेपर जो कि भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भौतिक भूगोल इस पेपर में आपके 5 यूनिटें दी गई हैं। 5 यूनिटें हैं, प्रत्येक यूनिट के अलग अलग टॉपिक हैं और उनका हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला यूनिट एक यानी इकाई एक, उसमें पहला जो टॉपिक है सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी इसमें सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सौर परिवार जो सूर्य और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, उन ग्रहों के बारे में, सूर्य के ग्रहों के बारे में जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। और उसी के साथ हम पृथ्वी की उत्पत्ति और इस उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत सिद्धांत दिए हैं और खास करके पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है, मुख्य रूप से हम तीन भूगोल वेताओं के सिद्धांतों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, यानी जिन्होंने ये पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है। सबसे पहला कांट, दूसरा है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है, हम उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरे जो विद्वान है ओटो सिमट। इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में तीन भूगोल विद्वानों ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन हम इस पहले बिंदु में करेंगे, उसमें कांट, जेम्स जीन्स और ओटो सिमट। दूसरा जो बिंदु हमारा आता है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना व संगठन, यानी हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे कई विद्वानों ने भी इसकी आंतरिक संरचना को बताया है, स्वेस नामक विद्वान हुए थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया कि पृथ्वी तीन परतों में बटी हुई है, जिनको उन्होंने नाम दिया स्याल, सीमा और नीफे। और भूगोल में तो जैसे
ऊपरी भूपट्टि मेंटल और केंद्र की जो है क्रोन ये कहा जाता है। तो इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसके स्रोत कौन कौन से, इनके माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट हम पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्रोत हैं, उन स्रोतों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो टॉपिक है आपका और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वो है बेकर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए हर वर्ष प्रतिवर्ष आप पिछला पेपर उठाकर देखेंगे तो बेकर का मुख्य रूप से या छोटे रूप में कुछ ना कुछ इससे जरूर पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से कंडीशन, कौन कौन से कारण, उनके बारे में अनेकों विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन इसमें काफी लंबे समय तक बहुत अच्छा है। 1912 में वेंगर महोदय ने एक सिद्धांत दिया जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है और वो बहुत लंबे समय तक चला। यानी 12 में दिया लेकिन प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण वो 1919 के लगभग आकर दुनिया के सामने प्रकाशित हुआ और काफी लंबे समय तक ये चला, सिद्धांत माने रहा, यानी वेंगर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। बाद में एक नया सिद्धांत इसमें आया और वो आया प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, ये भी हमारी पृथ्वी की जो महाद्वीप और महासागरीय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए ये सिद्धांत दिया कि हमारी पृथ्वी के नीचे कई प्लेटें हैं और ये सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो प्लेटों के किनारों पर होती हैं। तो इसमें हम प्लेट विवर्तनिकी का भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपके आता है समस्थिति, और इस समस्थिति में भी यानी पृथ्वी का जो संतुलन है, जो स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में मुख्य रूप से प्राट और एरी बाउडर दो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इस को समझाया है तो उनका भी हम अध्ययन इस यूनिट के अंदर करेंगे। छठे इसमें जो बिंदु आता है, टॉपिक है, वो है पर्वत निर्माण, जो पर्वतों का निर्माण है, पर्वत निर्माण के सिद्धांत और इन सिद्धांतों को कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो अलग अलग भूगोल वेताओं ने पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों को दिया और इस यूनिट में हम पर्वतों के निर्माण से संबंधित जो विद्वान जिन्होंने सिद्धांत दिया, सबसे पहले हम जोलिका पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, फिर ओवर महोदय का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इसी में तीसरे नंबर का जो बहुत महत्वपूर्ण है फुम्स का संबंधित पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, वो उसका हम अध्ययन इस यूनिट के अंदर करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पहली यूनिट के टॉपिक है। इकाई दूसरी यानी यूनिट दूसरी में हम सबसे पहले सेल, देखिए सेलों के बारे में हम छोटे छोटे क्लासों से पढ़ते आए हैं कि तीन प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित चट्टाने, यानी चट्टाने या सेल कह सकते हो, यानी सबसे पहले निर्माण होता है आग्नेय सेल का और उसके बाद अन्य सेलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की सेलें पाई जाती हैं और उन सेलों के बारे में हम अध्ययन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। इसके आगे जो टॉपिक आता है अनाच्छादन और पर्दा निर्माण। देखिए अनाच्छादन अपक्षय प्लस अपरदन बराबर अनाच्छादन, यानी अनाच्छादन जो है अपक्षय प्लस अपरदन बराबर अनाच्छादन, यानी अनाच्छादन में हम अपक्षय
और अपरदन दोनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अपचय किस प्रकार से होता है, अपरदन अपरदन के कौन कौन से कारक हैं, किन शक्तियों के कारण ये होता है, तो इस प्रकार से अनाच्छा दर्द एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ ही मृदा का निर्माण, मिट्टियों का निर्माण, मिट्टियाँ किस प्रकार से बनती हैं, उनका हम पूर्ण रूप से विश्लेषण इसमें करेंगे मृदा निर्माण के बारे में। तीसरा टॉपिक है भू संरचना और पटल, जिसमें भू संरचना में हम पटल विरूपण, जिसमें भ्रंश एवं बलन, यानी हम इसमें भ्रंश और बलन का अध्ययन करेंगे। और साथ ही इसमें बहुत अच्छा ही दो बिंदु इसमें भूकंप और ज्वालामुखी, परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप को हम प्राकृतिक आपदा के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भूगोल के रूप में इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भूकंप आता है, कौन कौन सी तरंगे हैं, क्या कंडीशन बनती है, तो उनके बारे में इसी तरीके से ज्वालामुखी। तो इस दूसरी इकाई में हम इन सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई जो हमारी आती है महत्वपूर्ण इकाई, जिसमें सबसे पहले अपरदन चक्र, यानी जो पृथ्वी की शक्तियां हैं उन शक्तियों से जो अपरदन होता है, और वो अपरदन चक्र जो चलता है, उस अपरदन चक्र को दो भूगोल नेताओं ने बहुत ग्राफिकल तरीके से ग्राफ बना के बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझाया है, और वो है डेविस और पेंक, यानी डेविस का अपरदन चक्र और पेंक का अपरदन चक्र बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार ये आता है तो दूसरी बार ये आता है, यानी हर साल किसी न किसी एक का जरूर आपको पेपरों में अपरदन चक्र देखने को मिलेगा। साथ ही अब विभिन्न जो पृथ्वी की बाह्य शक्तियां हैं, जो अपरदन के कारक हैं, उनके द्वारा बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे नदी कहीं बहता हुआ जल, हिमानी पवन, तटीय जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, और क्रास्ट यानी भूमिगत जल, इसमें एक अपरदन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, हम उनका अध्ययन करेंगे। और एक जो अपरदन होकर मलवा जाता है उसका कहीं न कहीं जाकर विक्षेपण होता है, जो इकट्ठा होता है कटता है, जहां से पलायन किया जाता है कटा जाता है पलायन होता है, वहां पर जो आकृति बनती है उसको विक्षेपित विक्षेपण के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति कहेंगे। और जो मलवा आगे जाकर एक जगह एकत्रित होता है उसको हम निक्षेपण द्वारा बनी हुई स्थलाकृति कहते हैं। तो इन स्थलाकृतियों के निर्माण में मुख्य रूप से देखिए नदीकृत स्थलाकृति, नदियों के अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार क्रास्ट स्थलाकृतियां, यानी भूमिगत जो जल है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। आगे इसी में हम हिमानी कृत, यानी बड़ी बड़ी जो हिमानियां हैं शिलाएं हैं बर्फ के, उनके अपरदन और उनसे होने वाले विक्षेपण से बनने वाले स्थलाकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही पवन द्वारा हवा के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्बाध रूप से जो हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं विभिन्न प्रकार के चट्टानों का आश्रयों का अपरदन करती हैं, और अपरदन करके नई आकृतियों का निर्माण करती हैं, और वही आकृतियां आगे जाकर वो रेत जो मलबा जो उड़ा के ले जाती हैं, हमारी एकत्रित करती हैं निक्षेपित करती हैं, तो उनके द्वारा भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, निक्षेपित स्थलाकृतियां। उसका हम एक महासागरी यानी महासागर सागरों के तटीय क्षेत्रों पर जो समुद्र की बड़ी विशाल लहरें किनारों की ओर आती हैं, और वो लहरें हमारे तटीय भागों को काटती हैं, इससे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें हम जो तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई में हम अपरदन चक्र जिसमें डेविस और पेंक, दूसरा नदीकृत स्थलाकृतियां, तीसरा काष्ठ स्थलाकृतियां,
हिमानी किस कलाकृतियां, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और तटीय स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीन यूनिट हो गई। चौथी यूनिट है ये हमारे वायुमंडल से संबंधित है। चौथी यूनिट वायुमंडल से संबंधित है जिसमें सबसे पहले इसमें हम वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे कि हमारा वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है। देखिए हम पढ़ते आए कि वायुमंडल जलवाष्प, गैसें और धूल के कण, ये तीन तत्व हैं, जलवाष्प, गैसें और धूल के कण, इनसे मिलकर ये बना होता है। और साथ ही नीचे से पृथ्वी के धरातल से हम ऊपर जैसे जैसे जाते हैं विभिन्न प्रकार के इसमें स्तर यानी इसकी संरचना देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, बहुत सारे इस तरीके से मंडलों के बारे में हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें चौथी इकाई में वायुमंडल का संगठन और संरचना। फिर है सूर्य तप और ऊष्मा बचत। देखिए सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो ऊर्जा है, ये पृथ्वी तक जैसे 100% अगर हम देखें सूर्य से जो प्रकाश चलता है, जो ऊर्जा चलती है, वो ऊर्जा 100% पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बादलों के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे बीच में कारक हैं जो सूर्य के आने वाले ताप का अवशोषण करते हैं, शोषित करते हैं और फिर पृथ्वी पर कितनी मात्रा में वो पहुंचता है तो एक ऊष्मा बजट कहलाता है कि सूर्य से चलने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पहुंचा और कहां कहां इसका शोषण हुआ या कहां कहां पर ये नष्ट हुआ या कम होता चला गया, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही तीसरा जो बिंदु है तापमान। तापमान देखिए इसमें हम तापमान, क्योंकि हम पृथ्वी के तापमान का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के तापमान का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी पर सभी जगह पर तापमान एक जैसा नहीं पाया जाता है। खास करके कहते हैं 12 महीने हमेशा विषुवत रेखा पर तापमान एक जैसा रहता है, लेकिन जैसे ही जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। इसमें भी सूर्य की स्थितियां कई कारक हैं जो इस तापमान को प्रभावित करते हैं। उन तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का भी हम अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से ये तापमान पूरी पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर किस तरीके से ये वितरित है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इसमें आगे वायुदाब और पवने। देखिए तापमान, वायुदाब और पवने ये हमारे जलवायु के प्रमुख तत्वों में से माने जाते हैं और इनका एक दूसरे से संबंध है। देखिए तापमान को बहुत प्रभावित करता है। कहते हैं कि तापमान और वायुदाब में जो संबंध है, तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, यानी दूसरा तापमान के विपरीत है। तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा, तापमान कम होगा वायुदाब अधिक होगा। और पवने जो है, पवनों का चलने का जो नियम है, पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो इनका ये रिलेशन भी है। इसमें वायुदाब जिस प्रकार से हम तापमान का अध्ययन करेंगे उसी तरीके से हम पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी पर कहां किस प्रकार से वायुदाब पाया जाता है, सबसे ज्यादा जैसे समुद्री तल पे पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं वायुदाब में कमी आती है, और इस प्रकार से हम वायुदाब का अध्ययन करेंगे इसमें। और साथ ही वायुदाब के साथ साथ पवनों का, पवने भी कई प्रकार की है, पाई जाती है।
इसमें कुछ स्थायी खबरें हैं जो 12 महीने हमेशा एक जैसी चलती हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, और साथ ही कुछ स्थानीय खबरें भी हैं, उन स्थानीय खबरों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो जो इसमें चौथा टॉपिक है वायदा और खबरें, साथ ही एक जेट स्ट्रीम, ये भारत की जलवायु का जब हम अध्ययन करेंगे तो एक जेट स्ट्रीम महत्वपूर्ण, ये जलवायु समझा, हमारे भारतीय जलवायु को समझाने का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जेट स्ट्रीम, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और वायुराशियां और वाताक, जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न वायुराशियां पाई जाती हैं, और उन वायुराशियों से जो वाताग्र बनता है, जैसे वाताग्र दो विपरीत वायुराशियों के मिलने से, एक ठंडी और एक गर्म, जब दो वायुराशियां एक दूसरे मिलती हैं और एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं तो एक सीमा बनती है जिसे हम वाताग्र कहते हैं। तो इसमें हम वायुराशियां और वाताग्र का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु चक्रवात, चक्रवात और प्रति चक्रवात, दो इसमें बिंदु होते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात में जहां केंद्र में निम्न वायुदाब और उसके बाहर उच्च वायुदाब होता है, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं जिसे हम चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात महासागरीय के सागरों के अंदरूनी भागों में उत्पन्न होते हैं, और ये बड़ी तेज गति से, यानी हवा बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं और हवा के साथ साथ बारिश होती है, और ये किनारों की तरफ आते आते तटों तक आते आते लगभग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जब चक्रवात किनारों तक आते हैं तो बहुत विनाशकारी स्थितियां बनती हैं। तो चक्रवात में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अध्ययन करेंगे। इसमें साथ ही मैं आपको बता दूं प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात जो है वो इसके ठीक चक्रवात के विपरीत होता है। इसमें वायुदाब प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और बाहर की तरफ निम्न वायुदाब होता है, और हवाएं जो है हमेशा केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं जिसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं। अगला इसमें बिंदु हम जलवायु का वर्गीकरण, हम जलवायु के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, और जलवायु के वर्गीकरण को कई भूगोलवेताओं ने इसमें समझाया है, उन सभी भूगोलवेताओं का, और खास करके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी चौथी इकाई ये हमारे वायुमंडल से संबंधित हो गई, और पांचवी जो इकाई है वो हमारे महासागर सागरों से संबंधित है। तो पांचवी इकाई में हम सबसे पहले महासागरीय नकल के उच्चावच, जिस प्रकार से हमारे धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार से महासागरीय तलीय अगर हम देखें तो कई उसके धरातल का जो महासागरीय जो तली है उसमें भी कई उच्चावच देखने को मिलते हैं, महासागरीय ढाल, महासागरीय गर्त, महासागरीय मैदान, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें अंदर उच्चावच आपको मिलेंगे, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही हमारे महासागरीय जो पृथ्वी पर महासागर वितरण है, इन महासागरों का पृथ्वी अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग प्रकार का तापमान पाया जाता है, तो उनके कारण महासागरीय जल का तापमान भी प्रभावित होता है। उस महासागरीय जल के तापमान का भी हम अध्ययन करेंगे, और अलग अलग महासागरों में अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की जल लवणता देखने को मिलती है, भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है, तो उसमें हम महासागरीय जल के तापमान और उसकी लवणता का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही महासागरों में तीन महत्वपूर्ण गतियां पाई जाती हैं, और उन महत्वपूर्ण गतियों में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहली है धाराएं, खास करके जो अटलांटिक महासागर है उसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रत्येक महासागरों में चलने वाली विभिन्न धाराओं का हम अध्ययन करेंगे,
और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण है ज्वार भाटा, यानी ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा की, खास करके चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर उठता है उसे ज्वार और वापस जाता है उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा का हम पूरा अध्ययन इसमें करेंगे। साथ ही इसमें महासागरीय निक्षेप, समुद्र की तली में विभिन्न प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, उन निक्षेपों का भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हमारे महासागरों में विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। उन प्रवाल भित्तियों के बारे में हमारे इस कई भूगोल वेताओं ने इन प्रवाल भित्तियों को समझाया है। तो उनके अनुसार जैसे मरे और डेरी, ये दो भूगोल वेताओं हैं, इन्होंने इसकी उत्पत्ति के बारे में, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के बारे में समझाया है। तो इस तरीके से हम पहला पेपर जो भौतिक भूगोल है जो 75 नंबर का है उसके 5 इकाइयां हैं, यानी 5 यूनिट हैं। उन सभी 5 यूनिटों का ये एक सिलेबस है जिसका हम विश्लेषण कर चुके हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए जो टॉपिक है उसके बारे में आपको अध्ययन किया कराया जाएगा। थैंक यू।